हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए मेडिसिन व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक एरिया एंड पेरीमीटर। व्हाट इज इकोनॉमिक एरिया, एरिया और पेरीमीटर क्या है? जैसे किसी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर 2 पाई। इसलिए अलग अलग शेप साइज के अलग अलग होते हैं। अब इस तरह तरह के जो शेप साइज का जो एरिया पेरीमीटर क्या है, इससे हम डिजाइन बनाते हैं, चाहे जियोमेट्रिकल डिजाइन, बिल्डिंग। अब इसका इकोनॉमिक्स पर क्या है, शेप साइज के एरिया पेरीमीटर जितने बढ़ेंगे उतने ही मार्केट में सेफ बिल्डिंग घर की डिमांड बढ़ेगी, और जब जमीन की जब इतनी डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में सप्लाई भी बढ़ेगा, और जब मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा तो मार्केट में प्रोडक्शन भी होगा, और जब मार्केट में प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जब मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो मार्केट में इनकम भी बढ़ेगा, और जब मार्केट में इनकम बढ़ेगा तो मार्केट में कंजप्शन और एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और जब मार्केट में कंजप्शन और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो मार्केट में सेविंग और शिफ्ट बढ़ेगा, और जब मार्केट में सेविंग और इसमें बढ़ेगा तो मार्केट में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक साइक्लिक वे में चलती रहेगी। प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजप्शन एक्सपेंशन सेविंग्स में, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजप्शन एक्सपेंशन सेविंग्स। ओके मास्टर, तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर एंड एरिया का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा था। ओके मास्टर, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक एरिया एंड पेरीमीटर। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं उसका जवाब जानूंगा, और अगर नहीं तो विषय मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी ना चौकने तक ही कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड लिटिकल, क्योंकि ऐसा करने तो इससे जरूर। और मेरा मन आप ले आपसे मेरे सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या के बिगड़ा नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डस नेवर गिव। ओके मैसे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से मेरा फिक्स टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एडवांस अगेन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश यू ऑलवेज फॉर वेरी हैप्पी सावन की सोमवार, सावन की तिथि सोमवार, टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ मी मैम। ओके मैम, सो वंस अगेन, हर हर महादेव, हर हर महादेव।